बात करेंगे अब बुरहानपुर की। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश चुनावी रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है। कोई गधे पर तो कोई बैलगाड़ी पर बैठकर नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंच रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर बुरहानपुर में देखने को मिली है, जहां पर गुरुवार को बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनीस, कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह श्रीरा और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान और प्रियांक सिंह ठाकुर ने अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा करने के लिए पहुंचे। लेकिन इस बीच में सबसे दिलचस्प बात ये भी देखने को मिली कि प्रियांक सिंह ठाकुर गधे पर बैठकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा बैलगाड़ी से अपने समर्थकों के साथ में नामांकन पत्र दाखिल करने रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। आज मुहूर्त का फॉर्म भरा है और भारतीय जनता पार्टी की जीत बुरहानपुर में सुनिश्चित है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ये जीत मात्र किसी व्यक्ति की नहीं, ये जीत बुरहानपुर की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 वर्षों में जो विकास किए हैं और बुरहानपुर विधानसभा में जो विकास के मामले में बुरहानपुर पिछड़ा हुआ है, लोग जानते हैं कि यहाँ पर विकास कौन कर सकता है। तो निश्चित रूप से कमल का फूल यहाँ खिलेगा। दो तीन राजनीतिक परिवार बुरहानपुर की सत्ता पर राज कर रहे हैं और कुल मिला के बुरहानपुर के मतदाता और आम भोली भाली जनता को गधा बनाने का कार्य कर रही है। विकास कहीं नहीं हुआ, गड्ढे हो रहे हैं और ये दो तीन परिवार उसके बाद भी लगातार लगातार आए जा रहे हैं। तो उनके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन गधे पे बैठ के किया गया था, क्योंकि देखिए आप अब इस समय महंगाई और इतनी चरम पर बढ़ चुकी है कि आम जनता का जीना दुर्लभ हो रखा है। महंगाई के हमारे पेट्रोल डीजल के इतने सारे रेट बढ़े हुए, तो एक हम जनता के तक के भी एक मैसेज भी हमारी तरफ से पहुँचाना चाहते थे। महंगाई के दौर को देखते हुए हम लोग बैलगाड़ी पर हमारी यात्रा, हमने आज जो नामांकन यात्रा के हम लोगों ने लिखा, मुझे जिंदगी में पहली बार कांग्रेस ने टिकट दिया, विश्वास दिया। बाद मुरले आज हमको कलर हुआ। हाँ, इतनी बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। आज का दिन मेरे लिए अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है और मैं सबको बहुत ध्यान देना चाहता हूँ। और खासकर ये टिकट है, ये जनता की आवाज पे टिकट मिला। जनता चाहती थी कि मैं हाथ के पैसे चुनाव लड़ूं। 31 तारीख को समस्त जनता के साथ आकर के, बड़े जन सैलाब के साथ आकर के फॉर्म भरो। हाँ, दो फॉर्म भरे जाते हैं, अमूमन दो फॉर्म भरे ही जाते हैं। एक मुहूर्त का भरा जाता है और एक सब अपने समर्थकों के साथ भरा जाता है। आज मुहूर्त का